all together. Impossible things stolen by Indian thieves. Slight point. हमारा एक प्यारा स्टेट जहाँ है इतने प्यारे लोग इतना बढ़िया अबे तू नहीं इतना बढ़िया खाना इतना अच्छा म्यूजिक इतनी सुंदर जगहें मेरे कुछ रिश्तेदार तो वहीं रहते हैं यार और वहाँ के कुछ 1% लोगों के कांड ये What? बट हेलो इसमें कुछ गलत नहीं है देश की प्रॉब्लम्स ही तो सॉल्व कर रहे हैं ट्रेन में बटुआ फोन चोरी होने की टेंशन बिहार में कुछ चोरों ने एक ट्रेन के इंजन को ही चुरा लिया चलेगी ट्रेन ना होगी बटुआ चोरी जिले में समस्या चोरों ने रेल लाइन से 2 किलोमीटर तक पटरी चोरी कर लिया रोज मरे जा रहे हैं 2 किलोमीटर तक की लंबी सड़क चोरी हो गई बेबी मुझे वैलेंटाइंस डे पे ना आईफिल टावर देखना है बट बिना पासपोर्ट के यस पूरा का पूरा जो मोबाइल टावर है वो चोरी हो गया टावर दे दिया भैया ये बिहार है यहाँ कुछ मुमकिन है दुनिया जीटीए खेलती है हम जीटीए में रहते हैं कल को इंडिया कहीं फाइनल मैच हार रही हो लो पूरा स्टेडियम ही चोरी ऑस्ट्रेलिया टीम को हद तो तब हो गई जब पूरी की पूरी 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई इससे गुजरने वाले लोग जैसे ही यहाँ पहुँचे हैरान रह गए उनके पैरों तले बाद में पता चला कि सड़क चोरी हो गई चुरा के छुपाया किधर के नीचे तिजोरी में क्या छुपा है छपरा लिंक रोड चोरी करके छुपा दिए थे अब हम टेक्निकली रास्ते पे ही सोते हैं चोरी करके खुद के घर कौन से रोड से गए लॉन्ग ड्राइव पे चले नहीं बेबी रोड ही चोरी हो गया है नहीं मिलना तो सीधा बोलो अपनी एक्स के पास ही चले जा अरे उसके घर तक जाने का ब्रिज भी चोरी हो गया है गुरु ने एक 60 फीट लंबा पुल दिन दहाड़े चोरी कर लिया कनेक्टिंग पीपल बिहार डिसकनेक्टिंग पीपल चोरों ने पुल को 3 दिन में काट कर गाड़ियों में भर लिया मेरी क्रश थी क्या They did this over 3 days and no one noticed. That makes me question the infrastructure of the bridge. अरे अंकल कुछ नहीं गुप्ता जी का फर्नीचर है मच्छरदानी उनकी आंटी जी ना इसमें अदरक घिसेगी रोज चाय के लिए आप उधर देखिए ना मुड़ जाइए इग्नोर पर लोकल लोग बहुत यूजफुल गवाही देते हैं अच्छा कौन चोरी किया है चोरी आदमी किया है अच्छा गवाही देते हैं अच्छा कौन चोरी किया है चोरी आदमी किया है चोरी आदमी किया That's a very Achara response. Yeah, exactly. Extremely Achara. Don't ask me some stupid questions, you might get a stupid answer. That's what my dad used to say. Don't ask a stupid question or you'll get a stupid answer. That's a very terrible response that only a stupid person would give. Whatever. Why are you asking stupid questions? It's not a stupid question. It's a very logical one. Your answer is dumb. That doesn't make the question equally dumb. Okay? चोर है इसीलिए चोरी हो गया और ये बकलोल है तो बकलोल ही कर गया आपके मर्डर होने के बाद भी पुलिस यही बोलेगी खून था तो इसका खून हो गया दुखी है थोड़ा सा दुखी है जिस दिन चोर दुखी है I thought it was like a Lord of the Rings reference for a sec. इतना दुखियां देख लीजिए. मैयत पे भी लमाव कर दे. Social media star Poonam Pandey is no more. Oh, that's dark. ब्रिज की कटी लाश ऊपर से सब देख रही है. RIP. Gone too soon. सड़क लोहे का पुल मोबाइल टावर के बाद अब रातों रात तालाब चोरी हो गया है पी गया क्या ग्लूकोन डी घोल के बिहार में चोरी मेरे मुंह पे पिंपल्स जैसे रोज नए दिखते हैं Hold on a second. I just want to look at this again. Is it possible it just fell apart? Is that the joke? Wait, I don't know. Are you saying that, like, in the state of Bihar, roads are falling apart, bridges are falling apart, and then so the government there is like, this is a bad look. I tell you what, let's blame it on some thieves. I mean, look at it. You see all the... I know, it does kind of look like maybe it just fell down. But like, no, that's just the infrastructure. That's just the metal. Where's They said the pond got stolen. I'm like, okay. Now you've gone too far. I don't believe cows this. Cannot jump over a moon. Okay, this is a conspiracy theory. Maybe it just dried up overnight. Yes, it gets hot in India. And ye like, pack kar do, wo pack kar do, what are they doing? Pack kar do. Oxygen sir, mujhe milegi. Puri oxygen pack kar. Meri team abhi pool ke chori mein lagi hai. Pani pack kar chuke hai. Abhi pool bhi pura pack ho raha hai. Guys, jaldi pack karo, jaldi. Hum choti choriyan nahi karte, bhai. Pura pani le gaye. Sare kawwe pack kar do, sab chori. Ye pura shauchalay pack kar do. Arey main hu andar. Uthao. Arey.
मैं शिफ्ट हुआ है? नहीं, तू कहीं और शिफ्ट हो रही है। ये पूरी बिल्डिंग पैक कर दो, ये पैक कर दो, पैक तू पैक ओए, पूरी टंकी पैक। मनी हाइस्ट का प्रोफेसर आ गया आपसे ट्यूशन लेने। अरे बिगिनर स्टूडेंट आ जाते हैं ना सीखने। विलेजर्स लूट द रोड बीइंग मेड फॉर देम। ये आंटी गड्ढों की दीवानी थी क्या जो हटा दे रही है रोड? अभी तो बनना भी नहीं भाई, टॉपिंग्स डालने से पहले क्रस्टी गायब कर दिए। और इनके लिए केक बनाने जाओ, ये चीनी ही लेके भाग जाएंगे। चोरी पे इतना मोटिवेशनल म्यूजिक, इन चार एक पत्थर तो मैं ही चुरा लाया ये सुन के। सो स्टूपिड, एक्सीडेंट हो गया। क्या लग रहा है, हॉस्पिटल में डालने के लिए? नहीं, ये स्टीलिंग द स्टफ, बोतल निकाल रहे फ्रिज में डालने के लिए। अबे मरे इंसान, कल हम खुद ही दो पैदा कर देंगे और मुफ्त की दारू फिर थोड़ी मिलेगी। हॉस्पिटल को कॉल कर रहा है ना? नहीं, दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ और नाइट का सीन बिठाने। तू भी दो चार बोतल उठा ले और सुन, लाश के नीचे चेक कर, कहीं चकना तो नहीं है। उठा के देख लाश, लाश उठा के देख। और इन्हें कोई मामूली नूब चोर मत समझना, घूम के ऋतिक की तरह अपनी छाप छोड़ जाते हैं। चोरों ने लिपस्टिक से लिखा, भाभी जी बहुत अच्छी है। क्यों? रैंडम खुली छोड़ गई थी। पहले तो चोरों ने सेंधमारी कर 60 लाख के कैश को उड़ाया। उसके बाद लिपस्टिक उठाकर चोरों ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर लिखा कि भाभी जी आप बहुत अच्छी हैं। यार बर्बाद के रास्ते पे आ गई हूँ, पर एटलीस्ट मैं अच्छी तो हूँ। भाभी जी आप बहुत अच्छी हैं। ये तारीफ पढ़ के दो केस वापस ले लिया आंटी ने। पुलिस भैया 60 लाख की नहीं, हम 30 लाख की चोरी लिखिएगा। वो भले लोग है, पकड़े जाए ना तो उनका नंबर दे दीजिएगा। भाभी जी आप बहुत अच्छी हैं, जबकि भैया के बारे में वे लोग अपशब्द लिख गए। क्यों, उनका कलेक्शन पसंद नहीं आया? छेद वाले कच्चे थे उनके तिजोरी में, या फिर जल रहे हो कि उनके पास भाभी जी हैं? जबकि भैया के बारे में वे लोग अपशब्द लिख गए। चोरों ने ये भी लिखा कि भाभी जी धन्यवाद, भगवान करे आप बहुत उन्नति करें, ताकि हम ज्यादा पैसे चुरा सके। चोर डकैतों का आशीर्वाद ही तो चाहती थी आंटी, बहुत उन्नति करे। चाहे चोरी के बीच दीवार पे लगी फैमिली फोटो देख के आंटी पे दिल ही आ गया। क्या हीरोइन है यार, इनके लिए तो एक सुपर चैट लिख देता हूँ। कांच पे मैसेज और नीचे ड्रॉअर में 100 रुपए जो उन्हीं के पति के बटुए से चुराए थे। पूरा लव लेटर भी लिखा है व्याकरण एग्जाम के फॉर्मेट में। तू कौमा माननीय महोदय भाभी जी चोरी कर। चोरों ने दीवार पर एक कोड लिखा है जिसमें लिखा है R2FOH। पुलिस उसे डिकोड करने में जुट गई है। वहाँ ब्रिज चोरी हो रहा है, रास्ते चोरी हो रहे हैं, तुम्हारे इस कच्चे बनियान चोरी के लिए पुलिस कोड सॉल्व करते बैठे। जिसमें लिखा है R2FOH। शैम्पू का कूपन कोड तो नहीं लिख गया चोर? घूस के तौर पे पता चला गाली लिख के गया, पर हैंडराइटिंग इतनी वाहियात के लोगों को सीक्रेट कोड लग रहा है। और पैसे चोरी के लिए बोल रही है, शी बीइंग फेसीशियस अबाउट द कूपन कोड। ओह आई मिस, शी वाज बीइंग फेसीशियस। ना तो एक लुटेरा अपनी पैंट में ही नोटों के बंडल को रखने लगा। हाँ भाई, तो कौन कौन पोस्ट कर रहा था कि 20 He should have worn bigger pants to be fair. He's wearing like skinny jeans. भाई कहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहा है? पुलिस यहाँ तलाशी लेने में भी शर्मा जाए। हाँ जी, इलास्टिक वाला पैजामा क्यों नहीं पहन रहा यार? Exactly. सायरन सुन के हल्का मत हो लेना। गई मेहनत फिर पानी में। इसकी एफडी ना हवलदारी तोड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक। कार में आए डैश। कौन आ सकता है? मिनिस्टर, सलमान का ड्राइवर, बकरी चोर। बच्चों के चोर बेचारे ओमनी ही ले पाए थे, और यहाँ बकरी चोर सीधा लग्जरी कार। और यहाँ यूट्यूबर के पास नो कार। योर करियर वाइजली गाइस। बकरियों के बाप शायद ज्यादा फिरौती देते हैं। और ऋतिक सफेद चूना, मनी हाइस्ट लाल जंप सूट, बिहार। रात के अंधेरे में एक चोर महिला की नाइटी पहनकर घर में घुसता है और चोरी की वारदात को अंजाम देता है। और महिला की नाइटी पहनकर they'll never recognize me। मेरे पास फुल एविडेंस है, सबूत है मेरे पास, ये नाइटी पहन के घूमता है। अरे मैं अपनी नाइटी सिर्फ अपने पति के सामने पहनता हूँ, बाहर पहन के जाता ही नहीं। क्या हमारे बॉडी पार्ट भी निकाल के ना बैंक की तिजोरी में डलवा दो, क्योंकि वो भी सेफ नहीं है। किसी के दोनों किडनी ही चोरी। वाओ, किसी का प्रेमिका ने काट दिया। वाओ, क्या वो लड़की उस लड़के को ओयो होटल में बुलाती है और उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। हिंदी समझ के काट दिया, उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। सुन के दर्द क्यों हो रहा है? ओयो में कटवा के बहुत लोग आए, पर ऐसे नहीं। मैं सिंगल खुश हूँ भाई, मैं सिंगल खुश। थैंक्स भगवान गंदी शक्ल देने के। चिपकली की पूछ भी नहीं है कि वापस उग जाए। मम्मी अब से ये वाली लाना मार्केट से। हाँ, डोरेमोन वाली बंद। लेकिन बुला के प्राइवेट पार्ट काट दिया, ये क्या है? We have to talk about John Bobbitt. So a lot of you guys probably don't know who John Bobbitt is, so I'm going to give you guys a little bit of American education. Mm-hmm. Anyone born before the year 2000 here should probably, well, 1996, should know who John Bobbitt is.
Do you know who John Bobbitt is? I know because you told me. I don't know what led to the altercation, to the event, shall we say. But John Bobbitt had a wife, Lorena Bobbitt. She decided she was going to do what that lady did and okay. It's not unheard of. It happens in Thailand, too. Not only that, if I have my facts correct, she drove away and tossed it out of a window while she was in a car. The cops, like, kind of tracked down the situation. Did they find it? They found it. Was it eaten by a dog? They reattached it. And many, 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 many months later, it was working again. Well, there you go. So whatever happens to you, make sure that you find it, put it on ice, and get it reattached. What doesn't kill you makes you want to kill yourself. I can't say that on YouTube. What doesn't kill you makes you stronger. गलती से छोटी चोरी कर ली तो man killed for stealing gobi. Man killed for stealing biscuits. Man beaten for stealing. Cycle. साले जाके एयरपोर्ट चुराओ. That's a big deal. Bicycle. Yeah. It's your transportation. Down कर रहा है. हमारी इज्जत है नहीं फिर भी down कर रहा है. Down कर रहा है. और स्टूडेंट से स्कूल चोरी कर रहे हैं. 100 नंबर का एग्जाम और स्टूडेंट को मिले 151 नंबर. ये बिहार में हुआ है. गुड हैंड राइटिंग. पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 100 में से 151 नंबर दिए गए. पेपर में 500 की नोट डाली या तालाब चोरी करके सर को गिफ्ट कर दिया. और बेस्ट चीज 151 लाख के भी. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बावजूद छात्र को फेल भी घोषित कर दिया गया. Shame. I mean, obviously. Try again next time. और स्टेडियम से बाहर मार दी पर अंपायर ने आउट दे दिया. पांच लोग जितने में पास हो जाए उतने में अकेला फेल हो गया भाई. एक बीकॉम के छात्र के साथ भी ऐसा हुआ. उसे एक परीक्षा में 0 नंबर मिले फिर भी प्रमोट कर दिया गया. भैया ये बिहार है यहाँ. No student left behind. Yeah. क्या सोच रहा होगा वो. मेरी सिलेक्शन हो गई है. हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है. अभी किसी ने भेजा है मेरे पे छोड़ा है. नहीं नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है. 0 नंबर मिले फिर भी प्रमोट कर दिया गया. जब आपने पेपर में लिखे तो सब गाने थे पर हनी सिंह के नहीं जगजीत सिंह के. सॉर इम्प्रेस 0 देख के भी प्रमोट कर दिया गया. यूनिवर्सिटी फॉरगेट्स टू प्रिंट क्वेश्चन पेपर. एग्जाम पोस्टपोन्ड. क्यों सर आप लोग खाना भी भूलते हो क्या. जो पेपर प्रिंट करना भूल गए. आपके माँ बाप को कल कॉलेज लेके आओ तो उनसे बात करनी पड़ेगी सर. आप प्रिंट करना भूल जाओ तो एग्जाम पोस्टपोन. हम पढ़ना भूल गए तो करियर बर्बाद. या शायद स्कूल का प्रिंटर चोरी हो गया होगा. पॉसिबल तो है. यूनिवर्सिटी इश्यूज एडमिट कार्ड विद बिकिनी. यहाँ थर्स्ट ट्रैप. एडमिट कार्ड में थर्स्ट ट्रैप. She's in a bikini. I know. Extra marks for good figure. अब कुछ लोग होते हैं ना जो अपने माँ बाप से पैसे चुरा के अपने गरीब दोस्तों के नशे के नीड्स पूरे करते हैं ताकि पाप और अच्छाई बैलेंस हो जाए. वैसे ही रॉबिन हुड चोर जिसने चोरी के पैसे से सड़क बनवा दिए. हाई प्रोफाइल घरों में करोड़ों की चोरी किया करते थे. गाँव वालों की नजर में चोर इरफान की खूब इज्जत है. बताओ और हमारी घर पे भी नहीं है. आज तक नहीं है. इरफान के गैंग में कुल 11 लोग थे. इनमें इसकी पत्नी दोस्त भाई गर्लफ्रेंड और ड्राइवर शामिल थे. एक एक मिनट क्या. गैंग में कुल 11 लोग थे. पत्नी दोस्त भाई गर्लफ्रेंड. वाओ. जय और रेखा एक साथ. गंभीर और कोहली को सेम टीम में खिला रहा था भाई. एप्पल सैमसंग की कोलैब करा रहा है. मेसी रोनाल्डो हाथ में हाथ डाल के. इस चोर के लिए तो मेरे में भी बहुत इज्जत है. चोर इरफान की खूब इज्जत है. लेकिन गांव वालों की नजर में इरफान रॉबिन हुड इसलिए है क्योंकि इसने अपने क्षेत्र के करीब 7 गांव की सड़कों का निर्माण किया. Took the roads and built roads for the villages, which is a wild thought. I don't think that's how concrete works. No. Like, where are they putting the roads? Where are they putting the pond? What's going on? Why? I can understand stealing a railroad, actually, because that's probably a lot of steel. Steel, yeah, that's worth money. Yeah, that's worth money. But a road? I don't know, Chara. Maybe you can take the pieces of concrete and construct like a wall out of them or something. The thing is, he was doing good for his people. Yeah, so he's Robin Hood. That's what they're saying. Robin Hood. Robin Hood. Huh? Ah, Robin Hood car. Huh? I don't even know what car means. What does that mean?
I don't know. चलो जावी. पड़ोसी की लड़की के कैंसर के ऑपरेशन के लिए 20 लाख. Wow. शुरू में ही कहा था ना, इतने अच्छे लोग हैं. भगवान भी कंफ्यूज्ड होंगे कि इन्हें स्वर्ग में डाले या नर्क. ये पाप इतने जल्दी धोते हैं जैसे डेटॉल से हाथ धो रहे हो. अब बिहार के चोरों के लिए गोल्स फॉर 2024. चोरों के न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस साल इंडिगो के 1-2 प्लेन चुराओ. वैसे भी वो फॉग में चलते नहीं. अंबानी का पूरा घर चुरा लो और शीशे पे लिखाओ भाभी जी बहुत अच्छी और नीता भाभी. और किसी का दिमाग चुरा के पूनम पांडे को दे दो ताकि वो गेमर की तरह मर के रीस स्पॉन होना बंद कर दे. बिहार से मेरा कोई दिल चुरा लो. कोई महिला. बिहार की लड़कियां दिल नहीं कुछ और चुराती है. नहीं नहीं नहीं. प्राइवेट पार्ट काट दिया. So that is it for today guys. अगर आप नहीं चाहते कि अच्छे मार्क्स लाके भी आप फेल हो जाओ तो सब्सक्राइब करो यार. मैं भी चला लोहे की चड्डी खरीदने. हाँ मम्मी. Metal underwear, a chastity belt. Yeah. That's crazy. I don't think I've ever heard anything like that. Well, the railroad thieves thing, I've heard about that before. Yeah, that like I said, that I can buy. No, you have to steal it. Jeremy Coy. Yeah, no, but I believe that is what I'm saying. Freaking roads, like what? Where we're going, Achara, we don't need roads. We don't roads. Need no roads. That's not what Doc Brown says. Oh, sorry. Gosh, you messed it up. I did. But yeah, why a road? Like, what are you going to get back for that? Do you know what I mean? Okay, so maybe you steal a pond. Maybe you're selling the water to a deserty place. Like, I don't get it. Or are they just practical jokers who are like, oh, this would be hilarious. A pond? I think you're overthinking this. I probably am. Maybe they were just drunk. Here, let's do this. What? In Bihar. Bihar. Was a pond stolen. Why don't you just write, was a pond stolen in Bihar? An entire pond mysteriously vanished and a hut was built on it overnight. Was built on it overnight. The accused land mafia allegedly filling the pond to seize the land had fled before the police arrived. The pond, formerly community-owned, became a target due to rising land prices. Wow. Wild. What got stolen in Bihar? Iron Bridge. In February 2023, a 60-foot-long iron bridge was stolen in Bihar's Sasaram. I thought I said sarcasm. Yeah, it does look like that. Yes, in this bizarre episode of Bihar's Ocean's 11, a few people turned up as government officials and workers in Amiavar village and dismantled the entire bridge in multiple days. Oh, so they like just tricked people. They were like, yeah, we're supposed to be doing this. The government said we have to dismantle the bridge. What is the water heist in Bihar? The Indian state of Bihar has been making headlines recently for its bizarre thefts. After a bridge and a train engine, thieves stole an entire pond. Locals of Darbhanga district were baffled as the pond vanished and someone built. How big is a pond? A pond can be pretty small. How big was the Bihar pond that was stolen? The pond that was stolen by Bihar is 36 dismil in size? What the hell is that? Speak English. I don't know. This is AI. 36 dismil to gallons. What the fuck? Oh, decimal? I don't know. Maybe it was a misspelling. Oh, it's not possible to convert. Do your best. Why don't you look at the picture? Is there a picture? People like to hear me read. That's a big pond. That's a big pond. That's a big pond. Emotional damage. Emotional damage. That's kind of incredible. They must have like worked tirelessly overnight and had a lot of soil. Can you imagine? You just wake up one day and you're like, where'd the pond go? You know what they might have done, actually? They said they filled it. Just filled it up? Yeah. With soil? Yeah, it seems like it. I guess that works. Okay. Never mind. I had a whole other thing. See, if I have it, I have Italian blood, so there's like mafia blood. I'm like, all right, here's how you do it. You gotta siphon it out using a truck of some kind or a generator. That's right, and then you fill it with land. You just spread it around the area around, and then yes, fill it with land. Maybe that's what they did. That sense makes. Sure. Well, that was fun. That was crazy. That was cray cray. Cray cray like you. Like Vivian Day.